वो नाशी अंकल कौन है? वो पापा के छोटे भाई हैं और उन्हें खजाना ढूंढने का बहुत शौक है। हर साल नए मौके पर हमारे घर पार्टी करने आते हैं, लेकिन कभी भी गिफ्ट नहीं देते डोरेमोन। सच में वो बहुत ही कंजूस हैं और हमेशा खाली हाथ आ जाते हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उन्हें यहाँ गिफ्ट लेकर ही आना चाहिए। ठीक है, इस साल तो मैं उनसे गिफ्ट लेकर ही रहूँगा। अब इसे क्या हो गया है डोरेमोन? ऐसा तब होता है जब सामने वाला गिफ्ट देना ही नहीं चाहता। एक बार फिर कोशिश करते हैं। ये तो काम ही नहीं कर रहा, क्या हम और कुछ नहीं कर सकते? अगर ऐसी बात है तो कुछ और करना होगा। सुपर ह्यूमन रोबोट। खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, क्या मैं हाँ? और ले सकता हूँ? सुनो रोबोट, तुम्हें इसे खींचना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम ये वाला है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, काम हो गया। अरे वो अब तक आए क्यों नहीं है डोरेमोन? बड़ी अजीब बात है, चलो चलकर देखते हैं। अंकल वो नाशी कहाँ है? अरे वो तो अचानक उठे और ये कहकर चले गए कि उन्हें कोई बहुत जरूरी काम है। नोबिता, क्या वो सचमुच चले गए? मॉम, लगता है मेरी गैजेट का पर कोई असर नहीं हुआ, ये तो अच्छी बात नहीं है। डोरेमोन, चल के उन्हें ढूंढते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो यहाँ रहते हैं। वो ऐसी जगह पर रहते हैं और तुम उनसे गिफ्ट लेना चाहते हो नोबिता? बेकार की बातें मत करो और अंदर चलो। मैं दरवाजा नॉक करता हूँ। कौन है बाहर? अंकल मैं हूँ। अरे नोबिता, तुम यहाँ पर? आपको नया साल मुबारक हो। नया साल तुम दोनों को भी बहुत मुबारक हो। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। पकड़ो डोरेमोन। आखिर ये क्या चीज है? ये बहुत मजेदार चीज है, अब जल्दी से इसे खींचो। मुझे हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही जरूरी काम याद आ गया, मुझे चलना चाहिए। और जोर लगाओ, तुम ये कर सकते हो, बहुत बढ़िया। दरवाजा। रुको, ये लो, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हें नए साल का गिफ्ट देना भूल गया था। आपका शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। वो क्या है अंकल? खजाना पैसे वापस कर सकते हैं? आप चाहती है मैं इसे वापस कर दूं? नोबिता, अगर तुम ये सारे पैसे ले लोगे तो मैं खजाना बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। नहीं अंकल, मैं आपको नहीं दूंगा। देखो, मुझे लग रहा है कि मैं इस बार खजाना ढूंढ लूंगा और मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट दूंगा। डोरेमोन, मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से नोबिता, तुम्हें इन्हें पैसे वापस कर देने चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये लौटा तो रहा हूँ, लेकिन आप अपना वादा याद रखिएगा, ठीक है अंकल? मेरा तुमसे वादा है। जैसे ही सूरज की पहली किरण से इस चट्टान की छाया बनेगी। मैं समझ गया, वही हमें खोदना है। पड़ रही है तो चलो डोरेमोन खोदना शुरू करते हैं। जोर लगा के, हाय ईशा, अब हमें खजाना मिलेगा। जोर लगा के। हाँ, हमें मिल गया, हमें खजाना मिल गया। अरे ये रहा खजाना। डोरेमोन, तुमने देखा, हमने खजाना ढूंढ ही लिया है। खजाना कहाँ चला गया, जल्दी बताओ। ये तो सपना था। तुम इतनी देर तक क्यों सोते हो नोबिता? क्या हुआ, तुम इतने नाराज क्यों लग रहे हो डोरेमोन? पता है, मैं सेवाशी से मिलने 22nd सेंचुरी में गया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं एक रद्दी की फैक्ट्री में पहुंच गया जो 21st सेंचुरी की थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है शायद तुमने टाइम मशीन का गलत बटन दबा दिया होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर
ये क्या है? ये तो बहुत पुरानी और अजीब सी डायरी है। ये डायरी कम से कम 100 साल पुरानी है और ये मुझे वहीं से मिली है नोबिता। क्या कहा तुमने, 100 साल पुरानी डायरी? इसमें एक अजीब सी चीज लिखी है, जरा जोर से पढ़ो। 1 जनवरी, मैं देर से सोकर उठा और फिर मैं सोने जा रहा हूँ, ये सब क्या है? ये नहीं, इसके आगे पढ़ो। 4 जनवरी, अब हर साल मैं डायरी लिखा करूँगा ताकि मुझे याद रहे मैंने क्या किया था। हाँ। तुम फिर से गलत पढ़ रहे हो, 5 जनवरी वाला पेज पढ़ो। डोरेमोन तो पहले से नहीं बता सकते थे कहाँ से पढ़ना था। आज 5 जनवरी है, यामाना का जगह पर खजाने को दबाया गया है और वो लाखों का था। हाँ, देखा तुमने? डोरेमोन सच बताओ, मैंने अपने सपने में ऐसी ही जगह को देखा था। हाँ? हो सकता है तुम्हारा सपना सच हो जाए, तो चलो हम उसी जगह पर चलते हैं। हाँ? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है डोरेमोन। हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। देखो नोबिता, इस पूरी जगह को यामानागा कहते हैं। तो यहाँ खजाना कहाँ दबा होगा? ये तो डायरी में भी नहीं लिखा है। तो ऐसे में हम उसे कहाँ ढूंढे? मुझे भी नहीं पता, चलो कहीं भी खोद कर देखते हैं। हाँ, अरे ऐसे हम कहाँ कहाँ खोदेंगे? हाँ, ये लो। थोड़ा और जोर लगाओ नोबिता। इतनी कोशिश करने के बाद भी हम दोनों को खजाना नहीं मिला है। मेरे ख्याल से खजाना यहाँ है ही नहीं डोरेमोन। चलो वापस घर चलते हैं और यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करते। ऐसी बात है? मैंने जो सपना देखा था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई फायदा नहीं हुआ डोरेमोन। अरे तुम सो क्यों नहीं रहे नोबिता? मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लाइट ऑन है। अच्छा ठीक है। ये तो 1982 की डायरी है। हाँ, ये तो इसी साल की डायरी है नोबिता। क्या कहा? लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि ये 100 साल पुरानी डायरी है डोरेमोन। लेकिन तुम्हें याद नहीं, मैं टाइम मशीन से 100 साल आगे गया था, तो उस हिसाब से ये आज की ही डायरी हुई ना। हाँ, ये क्या कह रहे हो? जरा एक मिनट रुको, इस डायरी के हिसाब से 5 जनवरी को खजाना छुपाया गया था, है ना? हाँ, लेकिन आज 4 जनवरी है तो इसका मतलब खजाना कब छुपाया जाएगा? अगर हम उस आदमी को ढूंढ ले जिसने डायरी लिखी है तो हम खजाना ढूंढ सकते हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम सही कह रही हो, शायद डायरी में कुछ और भी लिखा हो। चलो पढ़ते हैं। ये 3 जनवरी वाला पेज है। आसमान साफ है, सूरज उग चुका है, शांति कुंज की परछाई खिड़की के पास पड़ रही है। शांति कुंज? शांति कुंज, ये क्या है? देखो वो रही शांति बिल्डिंग, इसमें 52 फ्लोर्स हैं। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा कि इसकी परछाई कहाँ पड़ती है। सुबह तक? लेकिन अभी सुबह होने में टाइम लगेगा। तो फिर क्या करें? मुझे ठंड लग रही है। मुझे भी। ए, कौन है? तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो, बताओ? दरअसल हम यहाँ वो घर ढूंढने आए हैं जहाँ पर खजाना। कुछ नहीं कुछ नहीं, इसकी बात मत सुनिए। गड़बड़ है, जल्दी से अपना नाम बताओ, कहाँ रहते हो तुम? अरे ये क्या हुआ? बाल बाल बच गए डोरेमोन, नहीं तो पता नहीं क्या होता। एक बात बताओ, क्या सूरज जल्दी नहीं उग सकता? अरे नहीं नोबिता, ये मुमकिन नहीं है। पर मेरे पास एक गैजेट है, पूरा नेटारियो। अब मैं इसे शांति बिल्डिंग के हिसाब से लगा देता हूँ, फिर इसकी मदद से हम 5 जनवरी की सुबह देख सकते हैं। अब देखना। मतलब सूरज को उगते हुए शांति बिल्डिंग की परछाई के आखिर तक चलते हैं। अरे हाँ? देखो ये परछाई तो वहाँ तक जा रही है।
रही है। अरे हम तो वापस अंकल मुनाशी के घर पर लौट आए। जहाँ तक मुझे पता है यहाँ 3 लोग रहते हैं। तुमने सही कहा। अरे जरा यहाँ आओ बेटा, ये डायरी तो बिल्कुल वैसी ही है ना। और इसमें लिखा क्या है? इसमें भी वही लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं खजाना ढूंढ पाऊंगा, है ना? लेकिन अंकल आप जरा एक बात बताइए, ये भी तो हो सकता है कि आपने ये डायरी नींद में लिखी हो। बिल्कुल नहीं, मुझे नींद में लिखने की आदत बिल्कुल भी नहीं है नोबिता। अगर ऐसी ही बात है तो मेरे ख्याल से हमें खजाने को ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हम खजाने को ढूंढेंगे कहाँ बताओ? कहीं ऐसा हो कि कोई हमारे पास आए और ये कहे कि ये खजाने का नक्शा है, जाओ खजाना ढूंढ लो। हमें उस दिन का इंतजार करना चाहिए नोबिता। ऐसे भी कहीं होता है भला। अंकल उठिए, 11 बज गए हैं। क्या कहा 11 बज गए? क्या मेरे लिए आज कोई फोन आया था नोबिता? मिस्टर मोनाशी, आपके लिए फोन आया है। फोन है। शुक्रिया, मैं मुनाशी बोल रहा हूँ। क्या कहा? कुछ काम है, मुझे यामानाका पहुँचना है, मैं जल्दी से आता हूँ। वो यामानाका जा रहे हैं, हम भी वहाँ चलते हैं। मुनाशी, अब आपका रोल है। आपको यहाँ खुदाई करके लाखों का खजाना निकालना है। तुम अपने रोल के लिए तैयार हो? क्या ये काम मुझे करना है? बात सच निकली। देखो, आपको सच में खुदाई करनी पड़ेगी ताकि मूवी रियल। ठीक है। ये तो इस जगह पर मूवी में काम करने आए हैं। हाँ सही कहा। ऐसा भी तो हो सकता है ना नोबिता, कि जब वो यहाँ खुदाई करे तो उन्हें खजाना मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है नोबिता? हाँ, ये तुम क्या कह रहे? ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है डायरी में। हो सकता है ऐसा अगले पेज पर लिखा हो जो इस डायरी में है ही नहीं। हाँ, अरे इस पेज पर तो लिखा है। जल्दी बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ बताता हूँ। देखिए, दरअसल इस पेज पर ये लिखा है कि जब आप वहाँ से वापस आते हैं तो नोबिता को नक्शे के बारे में कुछ बताते हैं। अच्छा अंकल, नक्शा कहाँ है? नक्शा यहाँ पर है। देखो यहाँ पर, देखो ये बहुत ही पुराना नक्शा है और इस नक्शे में बताई सारी जगहें बहुत पुरानी हैं। और ये रहा शांति कुंज, वो सामने है वो जगह, आजकल उसे शांति निवास कहते हैं। अच्छा, तो यही है शांति निवास। इस नक्शे को बनाने वाले ने बहुत सारे राज छुपा कर रखे हैं। अगर मैं कहूँ तो नक्शे को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने अपने सपने में शांति कुंज को देखा, जहाँ उसकी परछाई पड़ेगी हमें वहीं खोदना है। अरे हाँ, यही तो इसमें लिखा है। मुझे याद है, जहाँ चट्टान की परछाई पड़ रही थी हमने वहाँ खोदा और खजाना मिल गया। परछाई, मुझे पता चल गया। मुझे लगता है कि हम लोग खजाने को ढूंढ सकते हैं। लेकिन वो तो एक सपना था अंकल। अगर वो सपना था भी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग खजाने को जरूर ढूंढ लेंगे, चिंता मत करो। पता नहीं सूरज क्यों नहीं निकल रहा। डोरेमोन, उसे इस्तेमाल करो। हाँ, उससे काम बन जाएगा। क्या ये ठीक रहेगा डोरेमोन? अभी तो रात हो रही है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। देखिए, शांति निवास और शांति बिल्डिंग की परछाई आपके घर की तरफ ही है। मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, पता नहीं क्या होगा। एक बार फिर कोशिश करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सर्चिंग डिवाइस। क्या इसे खजाना मिल जाएगा? क्या अगर खजाना मिल गया तो इसमें से आवाज आने लगेगी? जी बिल्कुल, यहाँ खजाना नहीं है। चलो दूसरे कमरे में ढूंढते हैं, यहाँ पर भी खजाना नहीं है। हा? अब हम लोग क्या करें? यहाँ पर भी नहीं होगा डोरेमोन। चलो अंकल मुनाशी के कमरे में ही देख लेते हैं। हमें सारे कमरे चेक करने हैं, समझे? यहाँ कोई फायदा नहीं है डोरेमोन, आगे चलो। चलो चलो आगे चलो। अरे ये तो आवाज आ रही है। खजाना इस जगह के ठीक नीचे है। क्या कहा? खजाना इसके नीचे है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ?
खजाने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है। हमने इतना खोदा लेकिन खजाना मिला ही नहीं। देखो नोबिता, खजाना पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हमें खजाना मिल जाएगा? लगता है खजाना मिल गया। आखिरकार हमें खजाना मिल गया। चलो इसे बाहर निकाल लें, जरा आराम से। आखिरकार हमें खजाना मिल ही गया। हम सब ने साथ में मेहनत की तभी ये हो पाया नोबिता। चलो इसे खोल कर देखते हैं। जल्दी से इसे खोलिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं इसे अभी खोलता हूँ। अरे ये तो एक छोटा सा मटका है। हो सकता है खजाना इसके अंदर छुपा हुआ हो। सारी मेहनत बेकार हो गई। इतने छोटे से मटके में भी बहुत सारा खजाना हो सकता है नोबिता। क्या सच कह रहे हो? जल्दी से इसे खोलिए। अरे इसमें से तो ये निकला है नोबिता, ये देखो। इसका मतलब इसमें कोई खजाना ही नहीं है। इसमें तो कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है बताइए? सुनकर बिल्कुल भी हैरान मत होना। इसमें लिखा है, इस पहेली को समझो और खजाने के असली नक्शे तक पहुंच जाओ। ये नक्शा 100 साल पुराना है। क्या कहा? ये नक्शा 100 साल पुराना है? इस नक्शे में राज छुपा है, जो पहेली को समझेगा खजाना उसका। अरे अब ये क्या नई मुसीबत है? एक और नई पहेली? मुझे खजाना नहीं चाहिए। मैं घर आ गया। नो पिता, ये क्या? ये सच नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? आज नोबिता बैठकर पढ़ रहा है। नोबिता सुनो तो। कमाल हो गया। तुम्हें पता है मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। कभी हम आपस में झगड़ती हैं, कभी एक दूसरे के लिए आंसू बहाते हैं। मुझे हमेशा तुम्हें इस टेबल पर बैठने के लिए गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन आज तुम अपने आप ही बैठकर पढ़ रहे हो। मुझे बहुत खुशी है, लेकिन साथ ही मुझे बहुत रोना भी आ रहा है। चुप रहो डोरेमोन, मुझे परेशान मत करो। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। दरअसल मैं बहुत खुश हूँ ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही बोल गया। अब नहीं बोलूँगा। नोबिता एक बात बताओ, आज तुम अपने आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। आज का दिन सच में बहुत अच्छा है। मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे चेक करना चाहिए, कोई ना कोई बात तो जरूर है। चलो अंदर चलते हैं, वहाँ जरूर कुछ होगा। तुमने कुछ कहा नोबिता, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। ये क्या है? शायद यही उस खजाने का नक्शा है जिसे मैं काफी समय से ढूंढ रहा था। मिस ताए, अंदर आ जाओ और इसे देखो। नोबिता मुझे डर लग रहा है। शायद ये उस खजाने का नक्शा हो। आपको पता है मिस सतोए, वो ओल्ड मैन कह रहा था कि हाँ, अपने पीछे देखो। जैसा मैंने सोचा था, यही उस खजाने की जगह है। मुझे लगता है ये नक्शा सिर्फ इलाके के बारे में बताता है। आखिर इस अजीब से सेंटेंस का मतलब क्या है? वो महीना जिसमें सारी मूर्तियाँ अपने जन्म स्थान पर वापस लौटती हैं, वो एक आईने की तरह चमकती हैं, स्वर्ग के किसी दूत की तरह, दुनिया की अजीबोगरीब चीजों की तरफ इशारा करते हुए, उनकी अनदेखी ताकत को जगाते हुए। भाग्य वहाँ नहीं है, इसका क्या मतलब है? सारी मूर्तियाँ अपने जन्म स्थान पर लौट रही हैं। एक बात बताओ, ऐसा हर रोज नहीं होता क्या नोबिता? वो महीना जिसमें सारी मूर्तियाँ अपने जन्म स्थान पर लौटती हैं। तुमने अभी क्या कहा नोबिता? डोरेमोन, वो कौन सा महीना है जिसमें सारी मूर्तियाँ अपने जन्म स्थान पर लौटती हैं? ओह, तो ये तुम्हारे होमवर्क का हिस्सा है। तो वो दरअसल अक्टूबर का महीना होता है। अक्टूबर? आखिर वो कैसे? लूनर कैलेंडर का पहला महीना होता है मुत्सुकी, दूसरा होता है किसरागी और तीसरा होता है ययोई। इसी तरह गॉड शायद 10वें महीने में आते हैं, इसलिए पुराने समय के लोग इसे कनाजुकी कहते हैं, यानी गॉड का महीना कहते हैं। तुमने सही कहा, ये जरूर अक्टूबर होगा। कितनी कमाल की बात है, नोबिता आराम से मेरी बात सुन रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। पूरे देश में अक्टूबर का महीना मूर्तियों का होता है, जो इज़ुमो के इज़ुमो मंदिर में इकट्ठी होती हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, इस महीने में वहाँ कोई मूर्तियाँ नहीं रहती। नोबिता एक बात कहूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो ना घर वापस चलते हैं। समझ गया, तो वो इस अक्टूबर के महीने की पूर्णिमा की रात है।
कौन है वहाँ? जरा सुनिए, आप दोनों का खाना तैयार है। आज 15 अक्टूबर को पूर्णिमा की रात है। उस पहेली स्वर के किसी दूत की तरह दुनिया की किसी अजीबोगरीब चीजों की तरफ इशारा करते हुए, उनकी अनदेखी ताकत को जगाते हुए, को सुलझाए बिना हम माउंटेन की चोटी की ओर बढ़ रहे हैं। नोबिता, वापस चलें। सब हम पहुंचने ही वाले हैं, हम सुरक्षित हैं। तुम्हें लगता है स्वर्ग के दूत हमारे सामने आएंगे? बहुत रात हो चुकी है और ये सब क्या है? देखो चांद निकल आया। हाँ, अरे नोबिता देखो ये क्या है? लगता है काम बन गया, पहेली हल हो गई। आईना आसमान में चमक रहा है। तो इसका मतलब स्वर्ग का दूत सामने आएगा, क्यों है ना? इसका मतलब कि खजाना वहाँ पर है, हमने कर दिखाया। ये तो मजेदार है, अगर ये सब सच होता तो कितना मजा आता ना। सच में कमाल हो गया, नोबिता तो बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, यकीन नहीं होता। लेकिन वो हड्डी और खोपड़ी जैसे दिखने वाली चीज क्या है? वो हड्डियाँ और खोपड़ियाँ नहीं है। अक्टूबर के महीने में पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी और चट्टान एक ऐसे एंगल पर है कि वो हड्डियों और खोपड़ियों जैसे लग रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक साधारण चट्टान है। चांद की रोशनी सीधे इसके ऊपर पड़ रही है। ये तो बहुत ही मजेदार है। क्या तुम ठीक हो? बस थोड़ा सा और रह गया। क्या तुम ठीक हो नोबिता? मैं ठीक हूँ, हमने कर दिखाया। देखो तो सूरज निकल रहा है, ये कितना खूबसूरत है। इस तरह हम दोनों खुशी खुशी रह सकते हैं। हाँ, ये कॉमिक तो बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया नोबिता, बहुत अच्छी। मुझे तुम पर नाज़ है। इसे पढ़कर तो बहुत मजा आ गया। मजा आ गया? अरे हाँ, जरा मुझे भी दिखाओ। अरे ये तो एक कॉमिक है नोबिता, मुझे लगा तुम पढ़ाई कर रही हो, लेकिन तुम तो एक कॉमिक बुक पढ़ रहे थे। अब समझा तुम पढ़ते पढ़ते इतने खुश क्यों हो रहे थे? क्योंकि ये कॉमिक है, इसका नाम है द ट्रेजर ऑफ द स्टैचू माउंटेन। अच्छा तो अब समझा, इसे पढ़ने के लिए ही वो इतना ध्यान लगाकर अपने टेबल पर बैठा था। ये एक मशहूर कहानी है, एक लड़की को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म से एक नक्शा मिला था। उसकी पहेली को सुलझाते हुए उसने खजाना ढूंढ निकाला। अरे ये तो एक साधारण कहानी है, नोबिता कितना टाइम वेस्ट करता है। मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। अरे नोबिता देखो, तुम्हें यहाँ कोई खजाने का नक्शा नहीं मिलेगा। मिल गया, मुझे तो यही खजाने का नक्शा लग रहा है। अरे ये क्या चीज है? ये तो एक पेंटिंग लगती है। नोबिता जरा सुनो तो। हे डोरेमोन, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ तुम्हें कोई नक्शा नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ एक कहानी थी नोबिता। देखो तुम मुझे परेशान नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये नोबिता कभी नहीं सुधरेगा,
सुनिए मॉम। मेरी एक बात सुनिए मॉम। नोबिता अभी नहीं, मैं अभी बहुत काम कर रही हूँ। प्यारी मॉम। नोबिता ये तुम क्या कर रहे हो, चलो हटो। अब समझ में आया, तुम्हें टेस्ट में जीरो मिला है और तुम माफी मांगना चाहते हो, या फिर तुमने कोई शीशा तोड़ दिया है, और या फिर तुमने आज का होमवर्क ही नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है नोबिता, क्या हमारे घर में तहखाना है मॉम? जाओ यहाँ से। अरे नहीं, ये नोबिता बीना, मैं इस लड़के का क्या करूँ? देखो घर में तहखाना बनवाना बहुत ही पुरानी बात है, मुझे नहीं पता था तुम इस बात को सच मान लोगी नोबिता, ये सब सच नहीं है। वैसे भी तुम्हें पता है डोरेमोन में कितना बड़ा बुद्धू हूँ। मैं ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ सपने भी नहीं देख सकते। मैं कुछ करता हूँ। Make believe treasure hunting set। हाँ कमाल हो गया, क्या इस सेट की मदद से हमारा काम हो जाएगा? नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, देखो इसके अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, ये देखो। देखा नोबिता? अगर खजाना ऐसे ही मिल गया तो हम ढूंढे क्यों? माफ करना लेकिन ये सब प्लास्टिक है, ये असली खजाना नहीं है। अरे नहीं ये तो बुरा हुआ, क्या तुम्हें असली खजाना ढूंढना है? हाँ। अगर हम इसके साथ एक रॉकेट लगा दें तो वो इसे एक अनजान जगह पर ले जाएगा। तो फिर उसके बाद हम इसे कैसे ढूंढ पाएंगे डोरेमोन? इसके ढक्कन पर एक छोटा सा रॉकेट लगा हुआ है जो अलग होकर वापस आ जाता है, उसके अंदर एक नक्शा होता है जिसमें खजाने की जगह के बारे में जानकारी होती है। हम उस जानकारी के हिसाब से खजाना ढूंढ सकते हैं। तो बताओ मैं सिर्फ प्लास्टिक के खजाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं भला? तुम बहुत नखरे दिखाती हो, एक मिनट रुक जाओ। हेलो, हाँ हाँ कैसी हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सब ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम इसे भी खजाने के अंदर रख देंगे। मुझे तो ये पापा का कैमरा और मॉम का नेकलेस लगता है। हाँ सही कहा। डोरेमोन एक बात बताओ, अगर हम इसे नहीं ढूंढ पाए तो मुश्किल नहीं होगी? नहीं इससे हमें ज्यादा मजा आएगा और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ठीक है डोरेमोन, जैसा तुम चाहो। मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। पीछे है, ये आवाज कैसी थी? जरूर ये दोनों ऊपर कुछ कर रहे होंगे। हाँ तुम्हें क्या लगता है ये कितनी दूर गया होगा? ये बहुत दूर गया होगा, पहाड़ों से भी आगे। डोरेमोन वो छोटा रॉकेट कब वापस आएगा? अब जल्द ही वो छोटा सा रॉकेट वापस आ जाएगा, देखते जाओ। नोबिता तुम्हारे लिए जियान का फोन आया है। मॉम क्या बाहर नहीं जाएंगी? अरे लेकिन क्यों? वो दरअसल आपका नेकलेस। नेकलेस को क्या होना है? और तुम दोनों ये अजीब हरकतें करना बंद कर दो, समझ गए? हे नोबिता मेरे दोस्त, क्या तुम मेरे साथ हाइकिंग पर चलना चाहोगे? क्या लेकिन कहाँ? एट स्टैचू माउंटेन पर, सुनियो साथ चल रहा है और वो हमारा सामान उठाएगा। लेकिन तुमने ऐसा तो नहीं कहा था? बुद्धू मैं उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे? अच्छा ठीक है समझ गया। मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे ट्रेजर हंटिंग के लिए जाना है। ट्रेजर हंटिंग? अरे कुछ भी नहीं तो क्या वो आ रहा है? अरे इसका क्या मतलब? वो आ रहा है या नहीं बताओ मुझे, बताओ। नहीं आ रहा। क्या? तो जियान सामान का क्या होगा? उसे तुम उठाओगे समझे? मम्मा बचाओ। अच्छा हुआ मैंने मना कर दिया। अरे देखो नोबिता रॉकेट वापस आ गया। अरे वाह, अब जल्दी से नक्शा निकालो। हाँ ये लो। अरे इसमें तो कोई नक्शा नहीं बना हुआ है, खजाना एक सॉलिटरी क्रिप्टोमेरिया पेड़ के नीचे छुपा हुआ है जो शिनिगामी माउंटेन पर हड्डियों की विपरीत दिशा में है। हाँ, इसमें बहुत मजा आएगा। डोरेमोन तुम्हें नहीं लगता बिना हीरोइन के ये सब करने में मजा नहीं आएगा? लेकिन हमें अपने साथ किसको रखना चाहिए, शिजुका कैसी रहेगी? मैं भी आता हूँ। अरे वाह फिर तो बहुत मजा आने वाला है, मैं अभी आती हूँ। हमने पूरा नक्शा देख लिया नोबिता लेकिन इसमें कोई शिनिगामी माउंटेन नहीं है। लेकिन वो नक्शे में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, तुम क्या कहते हो इस बारे में? हो सकता है वो बहुत छोटा हो, हो सकता है कि वो कोई ऐसी चट्टान हो जिसका कोई नाम ही ना हो। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हारा क्या कहना है? हाँ ऐसा भी हो सकता है। ध्यान से सोचो, शिजुका ने कहा है। लेकिन उसका नाम क्या हो सकता है आखिर? मेरी समझ में आ गया, वो माउंटेन ऑफ द टिश्यू पेपर्स है। अरे ये तुम आखिर क्या कह रहे हो नोबिता? ओरिगैमी माउंटेन, न्यूज़पेपर माउंटेन, फलाना ढिमकाना माउंटेन। देखो ऐसे कोई माउंटेन्स नहीं होते।
मुझे ही कुछ सोचना होगा। इससे तो बहुत अच्छा होता अगर मैं हाइकिंग करने माउंटेन ऑफ एज स्टैचू पर चला जाता। हे माउंटेन ऑफ एज स्टैचू, ये वही नाम है, मैं पक्की तरह से कह सकती हूँ नोबिता और डोरेमोन। लेकिन वो कैसे? अच्छा बताओ, अगर हम 4 और 2 को गुणा कर दे तो कौन सा अंक सामने आएगा? बोलो ना नोबिता। 4 को 2 से 25। नहीं, 8। अच्छा ऐसा है। और दूसरे शब्दों में इसका मतलब हुआ माउंटेन ऑफ एज स्टैचू। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है शिजुका। तो चलो फिर वहाँ चलते हैं। वो खजाना जरूर इन्हीं पहाड़ों के आसपास छुपा होगा। नक्शे के हिसाब से हमें एक सॉलिटरी ट्री ढूंढना है जो हड्डियों के विपरीत हो, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हैं। हमें पहले हड्डियों को ढूंढना होगा नोबिता। लेकिन अब हम क्या करें? क्यों, मैंने सही कहा? शायद हड्डियों के आकार की कोई चट्टान हो। इसमें तो 15 अक्टूबर है। हाँ? क्या कहा तुमने? लेकिन ये तो आज ही है ना नोबिता। दोस्तों मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तुमने उस कॉमिक में पढ़ा था ना, शायद हड्डियों के आकार की कोई चट्टान। हाँ चलो उसे ढूंढते हैं। ये चट्टान, ये पहाड़, ये जंगल और ये गांव हमें बुला रहा है। मजा आ गया, हम बस पहुंचने ही वाले हैं दोस्त। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि रुकते ही हम खाना भी खाएंगे, समझे? लेकिन कहाँ पर? जहाँ समुद्र विशाल होता है और पहाड़ बहुत बड़े होते हैं। मजा आएगा। उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो उनसे। सुनिए अंकल, मैं जानता हूँ कि तुम क्या पूछना चाहते हो, लेकिन इस इलाके में कोई हड्डियों जैसी चट्टान नहीं है। हाँ, लेकिन आखिर आपको ये कैसे पता कि हम आपसे यही पूछने वाले थे? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, समझ गए तुम? चलता हूँ मैं। शायद ये हमारे खजाने को लेकर भागना चाहते हैं। लेकिन उसके बारे में तो हमारे अलावा किसी को नहीं पता है ना नोबिता। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें कैमरा और नेकलेस है। बहुत स्वादिष्ट है। पता नहीं वो बुद्धू नोबिता आखिर ट्रेजर हंटिंग के लिए कहाँ गया होगा। इससे पता चलता है कि वो कितना बड़ा लापरवाह है। क्या वो वापस आने के बाद खजाना हमें देगा? लगता है जियान और सुनियो भी हाइकिंग के लिए इसी पहाड़ पर आए हैं। अगर ऐसी बात है तो हम उन्हें भी अपने साथ ही मिला लेते हैं। नहीं, अगर उसे पता चला सब नकली है तो वो गुस्सा करेगा। मेरा तो पेट भर गया, अब चलो जल्दी से चलकर खजाने को ढूंढते हैं। हड्डियों जैसी चट्टान? क्या यहाँ पर कोई ऐसी चट्टान है? हाँ वो थी तो वहाँ पर। शुक्रिया। शायद यहाँ पर। मेरे ख्याल से वो वहाँ पर थी। नहीं नहीं, शायद इधर ही थी वो। क्या आप एक बार में नहीं बता सकते वो कहाँ है? बच्चों मैंने 30 साल पहले उसके बारे में सुना था, अब मुझे पक्का याद नहीं है। 30 साल पहले सुना था? अरे अच्छा खासा मैं काम पर जा रहा था, मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। नोबिता, इन्हें नहीं मालूम है, हमें और कोशिश करनी होगी। शिजुका और कितनी कोशिश करे? जरा वहाँ देखो, लगता है वो अंकल भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। क्या यहाँ आसपास हड्डियों वाला पहाड़ है? देखो मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। मैंने देखा है। क्या तुमने सच में उसे देखा है? कहाँ कहाँ पर है? वहाँ पर है। अच्छा वहाँ पर। अरे देखो देखो, जरा इनकी नाक तो देखो, अजीब लग रही है ना? देखो हमें ये सब नहीं देखना है, हमें वहाँ ले चलो। देखा, वो कहीं नहीं मिला। डोरेमोन तुम्हारे सारे टूल्स बेकार है, अगर हमें वो कैमरा और नेकलेस नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? जल्दी देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये तो पूरा हड्डियों का ढांचा है। हाँ तुमने सही कहा, ये कितना भयानक है। अरे वो देखो एक पेड़। अरे वाह। नोबिता हमेशा रोता क्यों है, वो इतना डरपोक क्यों है, हमेशा हार जाता है, हमेशा पीछे रहता है, वो आखिर ऐसा क्यों है? इस बार भी नोबिता हमसे हार ही जाएगा, क्यों है ना? अरे वो तो नोबिता था। जरूर इन्हें खजाना मिल गया है, ये है। अरे जियान, तुम इसे अकेले नहीं ले सकते हो। लेकिन ये हमारा है। लेकिन ये अभी दबा हुआ है, इसका मतलब ये तुम्हारा नहीं है।
Hey, 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 hey